अब तक आपने देखा हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। इधर सृष्टि की टकराहट बैजू नाम के गुंडे से होती है। उधर विकराल अभिमन्यु नाम के लड़के को रागिनी के लिए पसंद करते हैं। रेवती अपना सच बताती है कि कैसे उसने हनीमून पर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की दोनों के बीच। अनुराग ये सुनकर रेवती से बात ना करने को कहता है। सृष्टि को समाज के तानों से ना बचा पाने के कारण बैजू घर छोड़ के चला जाता है। अब अनुराग रागिनी घर आ चुके हैं, जहां उनको बैजू का नाम पता चलता है। रात में दवाई के नशे से सोने के कारण घर पर चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम दिव्या बैजू पर लगाती है, क्योंकि वहां बैजू के हाथ का धागा गिरा होता है। रागिनी और सृष्टि के बैजू के घर पहुंचने पर पता चलता है कि वो घर छोड़कर निकल गया। अब आगे सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन बैजू का कुछ पता नहीं लगा और आखिर में हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी ही पड़ी। पुलिस तहकीकात के लिए जो है घर पर आएगी और हर जगह का ना फिंगरप्रिंट लेगी। अच्छा होगा कि आप सब लोग जो है ऊपर ना जाएं। बाकी ऊपर के कमरा का तो हम सफाई कर दिए हैं। वो कहा है कि कमरा बहुत ही बिखरल था, तब हम ठीक कर दिए थे। कोई बात नहीं जुलारी दीदी, वो लोग फिर भी अपने छानबीन कर लेंगे। उनके पास और भी कई तरीके हैं। और बाकी का काम हम कर देंगे। दिव्या, कहाँ बस बना ही सब? ये सब करने की क्या जरूरत है दिव्या? दिव्या, तुम ऐसे ही बिना किसी सबूत के किसी को चोर कैसे कह सकती हो? सोचो, अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो उसकी तो बेकार में बदनामी हो जाएगी ना। बदनामी? भाभी, गुंडे की भी कोई बदनामी होती है क्या? और बैजू एक गुंडा है। वो गुंडा था, ये बात सच है, लेकिन उसने चोरी की है इस बात का साबित होना अभी बाकी है। दिव्या, तुम तो जानती हो ना, उसने हमारी इज्जत बचाने के लिए खुद को बिना किसी गलती के सजा दी थी। अगर उसे हमारी इज्जत का इतना ख्याल है, तो हमें भी तो थोड़ा ख्याल उसकी इज्जत का रखना चाहिए ना। भले ही दुनिया में उसने इज्जत ना कमाई हो, लेकिन हम सबकी नजरों में तो कमाई है ना। भाभी, तिजोरी में से पैसे और गहने दोनों गायब है। आप जिस पर इल्जाम लगाना चाहिए उसकी तरफदारी कर रही हो। दिव्या, देखो, जब तक सच का पता नहीं चल जाता ना, तब तक तुम्हारा सच भी ठीक है और सृष्टि का विश्वास भी। और ये चोर पकड़ने का काम ना पुलिस का है, हमें सच्चाई का ना इंतजार करना चाहिए। ठीक है? ठीक है भाभी। से शाम होने को आई, अभी तक उस बैजू को पता नहीं चला। कितनी मुश्किल से हमारे घर में खुशियां आई थी और फिर सब बिखर गया। हम उस चोर को ना कभी माफ नहीं करेंगे। अब हमें कोई नहीं रोकेगा और हम जा रहे हैं ये पोस्टर पूरे गांव में लगाने। अरे दिव्या सुनो। अरे दिव्या, दिव्या, दिव्या रुको, गुस्से में डिसीजन नहीं लेते, रुको तो सही। हमने इसे रेलवे स्टेशन से पकड़ा है, ये कहीं भाग जाने के चक्कर में था। ये वाह, इतने दिन हमारे बीच में रहकर हमारे घर का सदस्य बनने की एक्टिंग की और मौका मिलते ही चोरी कर दी। अब तो हो गया ना आप लोगों को यकीन? हाँ माँ, पता है हमारे घर वाले घर की बेटी पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम पर भरोसा किया। कैसे इंसान हो तुम? तुमने ना हमारे घर में सिर्फ चोरी नहीं की है, हमारे घर वालों का भरोसा तोड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, आपको बैजू के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है,
पैसे, हार या कुछ भी? मैडम, इसके पास से एक बैग बरामद हुआ है। ले ओ बैग, खोलिए इसे। अगर घर से पैसे और हार चोरी हुआ है तो वो इसी में होना चाहिए। सब, ये बैग का ताला नहीं खुल रहा। चल बैग खोल। पुलिस को आके देखो, मिल गए ना पैसे? अरे चोरी करता है श्रीफ आदमी घर में। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी इतने दिनों से हमारे घर में रह रहा है, इसने हम सबका भरोसा जीता। अगर इसे चोरी करनी होती तो ये बहुत आसानी से पहले कर सकता था, लेकिन अगर इसने तब चोरी नहीं की तो ये अब क्यों करेगा? हमें लगता है कि कुछ और बात है। क्या हमें पता नहीं, लेकिन पता लगाना होगा। देखिए दरोगा जी, आप मारिए मत उसको। अरे मैडम जी, ये बैजू छटाओ बदमाश है, जब तक इसको मारनी पड़ेगी ना तब तक ये बोलेगा कुछ नहीं। बता क्यों चोरी की है? विवाद नहीं घर पे। बस कीजिए, एक मिनट रुकिए प्लीज। बैजू, तुमने क्या किया है हम सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तुमने क्यों किया ऐसा? अरे डैन भी एक घर छोड़ देती है, जिसने तुझे सहारा दिया तूने उन्हीं का गला काट दिया। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। बैजू जवाब दो। इंस्पेक्टर साहब, आप ही बैजू को थाने ले जाके ना आगे का पूछताछ कीजिए। चल थाने चल। रुको ना, बैजू भैया। इंस्पेक्टर साहब, बैजू भैया को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किए। बैजू भैया कुछ नहीं किए। बुआ तुम कुछ कहो ना, आपको पता है बैजू भैया कुछ नहीं किए, काहे की चोरी हम की है। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बुआ हम सचो कर रहे, चोरी हम के बैजू भैया कुछ नहीं किए। बुआ ये आप क्या कह रही हैं दुलारी दीदी? आप ऐसा क्यों करेंगी? बस कीजिए दुलारी दीदी, ये क्या बेहूदी बातें कर रही हो दुलारी दीदी? इस गुंडे को बचाने के लिए आप कहां तक गिरेंगी? चुप रहो दिव्या, तुमको कुछ नहीं पता है। बैजू भैया ये चोरी नहीं किए हैं, ये चोरी हम किए हैं। हम जानते हैं कि हमसे गुनाह नहीं हुआ है, पाप हुआ है हमसे। बाकी हम अपने सामने इसे बेगुनाह को मार खाते हुए नहीं देख सकते हैं। गलती हमारा, हम ही को सजा मिलना चाहिए। अरे बकवास कर रही हैं ये। अब भावना में आके बह गई हैं और बयानबाजी कर रही हैं। हम कह रहे हैं आप लोगों से कि चोरी हमने किया है और हम आप लोगों के माफी के लायक भी नहीं है। हमें ले चलिए यहाँ से। बचा लो ना बैजू भैया को, कुछ नहीं किए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बताते हैं उस दिन क्या हुआ था। अपने ही घर में चोरी कर रही हैं आप, शर्म नहीं आता आपको?
आवाज नहीं, आवाज नहीं, चुप चुप एकदम, आवाज मत करिएगा। हमको पता है कोई ना कोई बड़ा बात हो गया तभी आप चोरी कर रही है ना। आप हमको बताइए, हम किसी को नहीं बताएंगे। बच्चू भैया का है ना कि हमारा शादी हुआ, उसके बाद हमारे जो पति है ना वो हमको छोड़ के बम्बई चले गए। उसके बाद से हम उनका कोनो खोज खबर नहीं था। हमको पहला बार उनका खबर लगा है। पता चला है कि उनको वहाँ जुआ का लत लग गया। एक चक्कर में वो बहुत पैसा कर्जा ले ले, लाखों का कर्जा है। अगर वो जल्दी से वो कर्जा नहीं चुकाए ना तो उनको जेल जाना पड़ेगा। चलते ही सब कर आपको हम दीदी बोलते हैं, आपको आपके भैया लगे हम, तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। एक काम कीजिए, आपके पति ने भी फोन किया है आपको, तो हो सकता है कल आपको लेने भी है, इसलिए जो पैसा है ना आप हमको दे दीजिए, हम खुद जाके आपके पति को दे देंगे, ठीक है? और कल सुबह इतना ही पैसा का इंतजाम करके आपको हम लाके देंगे। आप चुपचाप तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा, किसी को भनक भी मत होने दीजिएगा, ठीक है? हम संभाल लेंगे। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं। बाकी बैजू भैया आप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इसका चिंता मत कीजिए, हम ले आएंगे पैसा कहीं से। भाई बनाए हैं तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। हम आपका एहसान नहीं बोले, पर किसी को बताइएगा मत ये बात, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का दुलरिया? अरे वो आदमी शादी के बाद तुम्हारी तरफ पलट कर भी नहीं देखा है, उसके लिए इस घर में चोरी की तुमने। अरे इतना कितना बेशरम हो गई तुम। दुलारी दीदी आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आपने एक बार मांग लिया होता, इस घर में आपको कोई मना थोड़ी ना करता, ये चोरी करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे दुलरिया हम मानते हैं कि वो धोखेबाज पर जो है ना हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक बार जो है अपनी फुआ को बोल कर तो देखा होता, उसके लिए इस घर में चोरी करने का क्या जरूरत था? देखो हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ, हम तो कहते हैं पाप हो गया हमसे, अब माफियों के लायक नहीं है। बाकी हम क्या करते भूल, हमको इतना दिन में पहला बार पता चला उनके बारे में, उनका ऐसा हालत के बारे में हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे पास कोई तरीका नहीं था, तो हम चोरी कर लिए। अब तुम जो सजा दोगे हमको मंजूर है, इंस्पेक्टर साहब ले चलिए हमको। पर दुलारी दीदी अगर पैसा जो है वो मुंबई गया है तो फिर ई का है? ये पैसा बैजू भैया लाए हैं, बैजू भैया जब हमको चोरी करते हुए देख लिए तो हमसे वादा लिए थे, हमसे कहते कि हम ही बारे में किसी को नहीं बताए, और सबको पता चलने से पहले तिजोरी में पैसा रखवा देंगे, हम किसी से कुछ नहीं बताए, बाकी चोरी बैजू भैया नहीं की है, आप की है चोरी। तू इतना पैसा कहाँ से लेके आया? किसे घर लूट के तक पैसा लेके आया तू? उससे पूछ रहा हूँ मैं। अपना कानपुर वाला घर गिरवी रख के पैसा लेके आए। हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए तुमने अपना घर गिरवी रख दिया। ठीक है, हम सबकी बात सच मान लेते हैं, लेकिन हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बैजू कल रात हमारे घर पर क्या कर रहा था? और अगर दुलारी दीदी चोरी करने वाली थी तो उसे कैसे पता ये बात? कल सॉलिड बीमार था, ड्यूटी पर नहीं था यहाँ पे। हमको मालूम है जो अपना भोला डॉन है ना ऐसे मौके का तलाश में रहता है, तो हम सोचे कि यहाँ पे आएंगे चुपचाप अपना काम करेंगे, इधर किसी को भनक भी नहीं होगा, चुपचाप वापस चले जाएंगे। सुबह रात की बात थी, हम आए तो यहाँ पे देखा कि मुंह भाई साहब सो रहे हैं वहाँ पे, हमको समझ में आ गया कि घर का बड़ा बेटा वापस आ गया है, घर में तो हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो चुपचाप जा रहे थे वापस अपने घर कि चलो हो गया हमारा काम खत्म। तभी हम देखे दुलारी दीदी को कि वो रोते हुए ऊपर जा रही हैं, तो हमको रहा नहीं गया, हम गए पीछे पीछे देखने के लिए, बाकी सब आपको पता है। अगर ये सच है तो बैजू निर्दोष है, मगर थाने में FIR हुई है तो चोर को पकड़ना ही होगा, और दुलारी जी ने खुद ही कबूल किया है कि चोरी उन्होंने की है, तो अब हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब ये हमारे घर का मामला है, हम केस विथड्रॉ करते हैं। आपने अपनी ड्यूटी निभाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किसी को अरेस्ट मत कीजिए। ठीक है सृष्टि जी।
दिव्या, तुमने एक बेगुनाह पे शक किया ना, अब चलो अपना बड़ा दिल दिखाओ और इनसे माफी मांग लो। मांगो माफी। आई एम सॉरी, हमने आपको गलत समझा। कहा है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। दुलारी दीदी जो है हमारी दीदी है, तो तुम भी हमारी छोटी बहन जैसी हो। सॉरी बोलने का जरूरत नहीं। वैसे भी पूरा कानपुर आधा हरिनगर तक को गलती समझता है, पर हमको अच्छा लगा तुम जो है ना अपने घर के खिलाफ भी जाके अपनी बात पे डटी रही। ऐसा संस्कार ना ऐसा परिवार में ही मिलता है। अब बताओ भला कि हम ऐसा परिवार पे कैसे आज आने दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हम चलते हैं। घबराइए मत, चला नहीं रहे हैं, आपको दे रहे हैं। एक बात बताइए, आप जो है सृष्टि के बॉडीगार्ड है ना, तो जो सृष्टि पे खतरा है वो टल गया है का? तो फिर आपका जो ड्यूटी है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब तक हम उस भोला डान को बर्फ का गोला नहीं बना देंगे ना, तब तक आप ये घर में रह के ये ड्यूटी निभाएंगे। और हम ना इस घर का बड़ा बहू है, तो हमारा बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। लीजिए। रागिनी सही कह रही है, रख लो इसे। देखो भाई, जो हम ना अपने बच्चों के फैसले में जाए उनके साथ ही हैं, तुमको तो यह रहना पड़ेगा। रुक जाओ बिटवा, ये घर को तुम्हारी जरूरत है। दर्द हो रहा है का? वो ये रहा होगा, इतना चोट जे लगल है, हम का कहें? बेचू भाई, हमको ना समझ नहीं आ रहा है कि आप जो हमारे लिए किए हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद कहें कि हमसे जो हुआ है उसके लिए हम आपसे माफी मांगे। अतः का चलेगा तो रहा है, ठीक है। इतना बड़ हो गया है, चोट है, जलन तो हुए पे ना करेगा, बहुत ज्यादा लग गया है आपको। बाकी कोनो बात नहीं, पट्टी लगा रहे ना, पट्टी से कोनो घाव जल्दी भर जाता है। दुलारी दीदी, मैं आपको बुला रही हूँ। हाँ आ रहे हैं छोटकी भौजी, अब फूगा बुला रही है हमको। तब तो जाइए, हम कर लेंगे कुछ। बचपन से चोट लगता है, खुद से मरहम पट्टी करते आए हैं, खुद डॉक्टर बन गए हम तो। हमको क्या जरूरत किसी का। आराम से मैडम जी, तकलीफ हो रहा है। अच्छा, मसीहा को भी तकलीफ होती है क्या? मसीहा को होती है कि नहीं होती हमको नहीं पता, लेकिन हमको तकलीफ रहा तो हम बता दिया। तो जो कुछ भी हुआ उसे पहले बता देते, कम से कम इस पिटाई से तो बच जाते। लेकिन नहीं, तुम क्यों बोलोगे? महान जो बनना चाहते हो। महान नहीं बनना चाहते हम, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं बस, जैसा आप बताए हमको। हमको बोले अच्छा इंसान बनने के लिए, तुम अच्छा इंसान बन रहे हैं और आप पेच निकाल रहे हैं इसी में। और मैडम जी, वैसे भी किसी की मदद करने में ना थोड़ी मुश्किल अगर आ जाती है तो मुश्किल झेल लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा तकलीफ ले लेना चाहिए। पर आप भी तो वही करती हैं अपनों के लिए, है ना?
आप जो करती हैं बस हम आपका नकल कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। थैंक यू।